हेलो एवरीवन, हम लास्ट टाइम एक वीडियो अपलोड किया था मैट्रिसेस का। उसमें ये लास्ट क्वेश्चन था जो उस टाइम पर पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो इसको हम दोबारा से देखते हैं और मैट्रिसेस के बाकी और क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करते हैं जो DGT PGT एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं प्रीवियस ईयर में। ओके, तो देखिए क्वेश्चन क्या है। इफ़ ए इक्वल टू 1101 इज अ मैट्रिक्स, देन द वैल्यू ऑफ ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस अप टू ए टू द पावर एन माइनस वन। चार ऑप्शन यहाँ गिवेन है, तो देखिए ए की वैल्यू गिवेन है। सबसे पहले हमने ए स्क्वायर फाइंड किया है, हमने ए स्क्वायर ए क्यूब ए फोर, हम दो तीन वैल्यू फाइंड करने के बाद देखेंगे कि वेरिएशन कैसे हो रहा है, मतलब क्या चेंजिंग आ रहे हैं। जब हमने ए स्क्वायर किया तो यहाँ पर टू आ गया इस वाले कॉर्नर पर, ठीक है। फिर हमने ए क्यूब किया तो यहाँ पर थ्री आ गया, और बाकी जो एंट्रीज में सेम है, जो फर्स्ट में है बाकी तीन एंट्री सेम है, सेकंड में भी सेम है, थर्ड में भी सेम है। इसी तरह से अब ए की पावर फोर करेंगे तो यहाँ फोर आ जाएगा, बाकी एंट्री सेम रहेंगी, ठीक है। अब इन्होंने पूछा है कि ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए की पावर थ्री अप टू ए टू द पावर एन तक वैल्यू, तो इसके लिए क्या किया मैंने, इन सबको ऐड किया। ओके, जब हम ऐड करेंगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तो वन है, यहाँ पर टू है, यहाँ पर थ्री है, तो ये ऐड तो चला जाएगा सर ऐसे 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू कहाँ तक, एन माइनस वन तक, ठीक है, एन माइनस वन तक जा रहे हैं चलते हुए। तो हमें ये पता है कि क्या फॉर्मूला होता है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n तक अगर ऐड करें तो क्या फॉर्मूला होता है, n इंटू एन प्लस 1/2, ये होता है सब। लेकिन यहाँ n तक की बात नहीं हो रही, बल्कि कहाँ तक की बात हो रही है, n माइनस वन तक, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे वन से स्टार्ट किया है, 1 2 3 4 5 ऐसे जा रहे हैं चलते हुए। तो एन की जगह पर एन माइनस वन रखेंगे तो कितना हो जाएगा, एन माइनस वन, और यहाँ पर आ जाएगा एन माइनस वन प्लस वन अपॉन टू, विच इज़ इक्वल टू एन इंटू एन माइनस वन बाई टू। ओके गाइस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एन इंटू एन माइनस वन बाई टू, ठीक है, यहाँ पर ये आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें क्या क्या आएगा, पहले वन है फिर टू है फिर सॉरी पहले वन है फिर यहाँ पर भी वन है फिर यहाँ पर ही वन है, वन 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 कितने टाइम ऐड हो रहा है, एन माइनस वन टाइम ऐड हो रहा है, क्योंकि एन माइनस वन तक चला है, तो यहाँ पर कितना आएगा, एन माइनस वन। 0 0 0 0 भी एन माइनस वन टाइम तक ऐड हो रहा है, लेकिन सब जीरो का सम तो जीरो ही हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, एन माइनस वन, ठीक है, तो यहाँ पर आ गया एन इंटू एन माइनस वन बाई टू, यहाँ पर आ गया एन माइनस वन, यहाँ पर भी एन माइनस वन एंड यहाँ पर जीरो। इसमें से हमने n माइनस वन ये कॉमन निकाल दिया, ठीक है, ये n माइनस वन कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पर रह गया वन वन बाई टू एन ज़ीरो एंड वन। ओके, तो ये इसका n माइनस वन तक का सम है। इसमें आप देखिए कौन सा ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है, ए इज़ रॉन्ग, बी इज़ ऑल्सो रॉन्ग एंड सी इज़ करेक्ट। ओके, सी इज़ द करेक्ट करेक्ट ऑप्शन। ओके गाइज, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके, देखिए इस क्वेश्चन ने बेसिकली कैले हैमिल्टन थ्योरम का यूज़ पूछा है। इफ़ द मैट्रिक्स ए इक्वल टू 3 1 -2 -1 एंड 2, देन बाय कैले हैमिल्टन थ्योरम द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर माइनस 5 a + 7 i इक्वल टू इज़ इक्वल टू वॉट। वैसे तो इसको बिना सॉल्व किए भी डायरेक्ट रिजल्ट पे हम इसको देख सकते हैं कि कैले हैमिल्टन थ्योरम ये कहती है कि एवरी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स सेट सेट एवरी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। बेसिकली ये बोलती है कोई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अगर गिवन है किसी मैट्रिक्स की, तो कैले हैमिल्टन थ्योरम में कहती है कि करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स जो होगा उसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, सेटिस्फाई करेगा। मतलब अगर हम वहाँ पर जो एक्स आईज के एक्स वाई जेड में वैल्यू गिवन है, एक्स में वैल्यू है या लैम्डा में है या जिसमें भी है, उसकी जगह अगर ए पुट कर दें तो उसको एनिलेट कर देगा, मतलब जीरो के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख ली, ए माइनस लैम्डा इक्वल टू जीरो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा इक्वल टू जीरो, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है किसी मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। तो ये क्या हो गई, 3 - λ 1 - 1 2 - λ। ओके, तो इसके बाद इसे सॉल्व किया हमने तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई, लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 λ + 7 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक, तो कैले हैमिल्टन थ्योरम ये कहती है कि जो मैट्रिक्स गिवन है वो इसको सेटिस्फाई करेगी, सेटिस्फाई करेगी मतलब अगर लैम्डा की जगह हम ए पुट कर दें तो ये इसको एनिलेट कर देगी, इसको जीरो बना देगी, ठीक है। तो करिए इसको, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, ए स्क्वायर
ये हो जाएगा माइनस फाइव ए प्लस सेवन आई इक्वल टू ज़ीरो। ज़ीरो इसमें ज़ीरो मैट्रिक्स। ओके, ये एक नंबर हो सकता है लेकिन ये क्या है, ये एक नंबर है लेकिन ये क्या है, एक मैट्रिक्स, ज़ीरो मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये हो गया ए माइनस फाइव आई प्लस सेवन, ए माइनस फाइव आई प्लस सेवन आई इक्वल टू ज़ीरो। ये ज़ीरो है बाई कैनी हैमिल्टन थ्योरम, ये ज़ीरो है। ठीक है ना, ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये ज़ीरो मैट्रिक्स के बराबर है जो कि बी ऑप्शन में गिवन है। ओके, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर किसी को डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझको ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड अपने फ्रेंड्स के बीच में इसको शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, देखिए ये क्वेश्चन है, द मैट्रिक्स द इक्वेशंस, तीन इक्वेशन यहाँ पर गिवन, हैज़ नो सॉल्यूशन अनलेस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू वन, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू माइनस वन, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो एंड नन ऑफ दीज। तो हमें क्या देखना है कि इसका ये नो सॉल्यूशन कब रखती है। कोई भी अगर इस तरह से लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है तो वो उसके लिए नो सॉल्यूशन होने की कंडीशन ये है कि उसके करस्पॉन्डिंग जो हम ये मैट्रिक्स बनाते हैं, इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बोलते हैं, इसमें रैंक ऑफ ए, ये है ए बेसिकली, ये पूरा क्या है ए एक्स इक्वल टू बी का जो फॉर्मेट है ये वो है। ठीक है, इसका हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लिया ए बी करके, ये वाला बीज जो है, इधर वाले जो बीज होते हैं ए बी सी यहाँ पर हैं, ये इसके साथ आ गए, इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बोलते हैं। नो सॉल्यूशन की कंडीशन तब होती है अगर इसका रैंक और इस पूरे का रैंक नॉट इक्वल टू हो। ठीक है, दोनों के रैंक बराबर ना हो। तो रैंक फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, बेसिकली सबसे पहले हम इसमें ज़ीरो बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फिर नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रो जो होती है हमारे पास, उसको हम रैंक ऑफ द मैट्रिक्स यहाँ पर बोल देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ देख रहे हैं ज़ीरो बनाना आसान है। ठीक है, अगर हम आर थ्री में पुट कर दें, क्या आर थ्री में अगर हम क्या पुट कर दें, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, हम देख रहे हैं ये दोनों टू है, ये माइनस टू है, यहाँ पुट कर दें ज़ीरो, ये दोनों टू है, ये माइनस टू है, यहाँ ज़ीरो, ये दोनों, इन दोनों का सम टू है, ये माइनस टू है, तो ज़ीरो। तो क्या करें आप, आर वन में, आर थ्री में रख दें क्या, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। हम करते हैं कि नीचे ज़ीरो बनाने की पहले ट्राई करते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस टू वन वन ए, वन माइनस टू वन बी, ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, यहाँ पर कितना आएगा, तीनों को ऐड करके रखेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी। ओके, अब ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है हमारा, इसकी रैंक कितनी है, इसकी रैंक टू है, और इस पूरे की रैंक देखें तो यहाँ पर तीन है रैंक, क्योंकि ये तो तीनों की तीनों रो नॉन ज़ीरो हैं। ठीक है, इसमें अगर देखें तो ये एक ज़ीरो रो हो गई, ये बाकी की दो नॉन ज़ीरो रो हैं, तो यहाँ पर रैंक कितना है टू, और यहाँ पर रैंक कितना है थ्री। तो यहाँ से क्या होगा, रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू, या पहले लिख लें आप रैंक ऑफ ए इक्वल टू टू, एंड रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी इक्वल टू थ्री। ओके, सो इम्प्लाइज डेट रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी, लेकिन किस कंडीशन में, अगर ये टर्म देख रहे हैं जब तक ये नॉन ज़ीरो है, अगर ये ज़ीरो हो जाए, अगर ये ज़ीरो हो जाए तो क्या होगा, फिर तो दोनों की रैंक बराबर हो जाएगी। तो ये कब बराबर नहीं है रैंक, नो सॉल्यूशन होने के लिए रैंक बराबर नहीं होनी चाहिए, और कब बराबर नहीं है, जब तक वैन ए प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ओके ओके, अच्छा हमें ये भी पता है कि एक ही ऑप्शन ठीक होता है। अब आप इसमें देखें, ये कह रहा है कि वन तो भी ठीक होगा, माइनस वन तो भी ठीक होगा, ज़ीरो तो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, तो ठीक होगा ही नहीं। इस वजह से, क्योंकि ये वाले ऑप्शन, ये भी इसमें नॉट इक्वल टू ज़ीरो में आ रहा है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते सिर्फ वन के लिए ट्रू है या सिर्फ माइनस वन के लिए ट्रू है, तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। ठीक है, क्योंकि ये रिस्ट्रिक्टेड थोड़ी है ना कि सब वन के लिए ही, आप टू रखें, थ्री रखें, फोर रखें, जो मर्जी रखें, ये नॉन ज़ीरो, नॉन ज़ीरो का मतलब है सिर्फ वन और टू की बात तो नहीं, वन और माइनस वन की बात तो हो ही रही यहाँ पर। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन और डी इज़ करेक्ट। ओके गाइस, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके, देखिए इस क्वेश्चन में बेसिकली पूछा गया है सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट के ऊपर, ये इसमें क्वेश्चन है। अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन,
देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज इक्वल टू व्हाट, चार ऑप्शन यहाँ पर गिवन है। हमें पता है कि अगर अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, देन द सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है सी अपॉन ए, वेयर ए बी सी आर द कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड द कॉन्स्टेंट टर्म इज सी। ओके, तो यहाँ पर हमने क्योंकि अल्फा बीटा इन्होंने कहा कि रूट्स हैं तो उनका सम जो हो जाएगा वो माइनस बी अपॉन ए से, बी की वैल्यू यहाँ पर 3 है तो माइनस 3 अपॉन 2 एंड सी की वैल्यू यहाँ पर 5 है तो सी अपॉन 5 अपॉन 2। ओके, अब हम चलते हैं इसकी तरफ, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। तो 0 के कॉरस्पॉन्डिंग चलेंगे 0 इंटू समथिंग इज 0, फिर माइनस बीटा 0 माइनस अल्फा बीटा हो जाएगा प्लस बीटा को लेके चलेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, अल्फा स्क्वायर माइनस 0, 0 इंटू 0 मतलब 0 विच इज़ इक्वल टू, तो 0 हो गया टर्म, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा बीटा अल्फा स्क्वायर। ओके, विच इज़ इक्वल टू, अगर यहाँ से हम अल्फा बीटा कॉमन निकाल दें तो यहाँ पर रह जाएगा बीटा और यहाँ पर रह जाएगा अल्फा, तो हमें पता है अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 5/2 एंड अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस 3/2 विच इज़ इक्वल टू माइनस के कितना 15/4 है, 15/4 ये रहा यहाँ पर 15/4, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके, देखिए ये क्वेश्चन 19 में आया था, मतलब लास्ट टाइम जब पीजीटी हुआ था एग्जाम तब ये क्वेश्चन आया था। द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट, सिंपल क्वेश्चन है, डिटरमिनेंट की वैल्यू पूछी है, लेकिन अगर हम इसे सिंपल किसी को रो या किसी कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग में एक्सपेंड करके डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे तो एक लेंथी हो जाएगा। ठीक है, इसे देखिए आप, इसमें पहली रो में देखें ए ए ए, तीनों जगह पर ए है पहली रो में, दूसरी में बी बी है, तीसरी में सी है। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट में से पहली रो में से हम ए कॉमन लेते हैं, दूसरी रो में से हम बी एंड तीसरी रो में से हम सी कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, डिटरमिनेंट के अंदर क्या बचेगा, पहली में से ए कॉमन आ जाएगा तो यहाँ माइनस ए बचेगा, यहाँ बी बचेगा और यहाँ सी, इसमें से बी कॉमन आ गया तो यहाँ पर ए, यहाँ माइनस बी एंड यहाँ सी, और तीसरी रो में सी को मना गया है हमारे पास तो ए बी एंड माइनस। देख रहे हैं आप अभी कितना इजी हो गया है। ठीक, अब इसे आर वन आर टू आर थ्री किसी के करस्पॉन्ड में आप इसको चाहें तो एक्सपेंड कर दें, या आप ये भी कर सकते हैं कि इसमें पहले आर थ्री इनपुट कर लें आप कितना आर वन प्लस आर थ्री, तो ये ज़ीरो हो जाएगा, ये भी टर्म ज़ीरो हो जाएगा, उससे आपके लिए और आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो क्या करें, अब नाउ आर थ्री में पुट कर लेते हैं हम कितना आर वन प्लस आर थ्री। ठीक है, या इन दोनों को कर लें तो भी ज़ीरो हो जाएगा, तो आप कर लें आर वन प्लस आर टू, ये चलें आर वन प्लस आर थ्री ही कर लें। ठीक है, चाहे कुछ भी कर सकते हैं आपकी मर्जी, ज़ीरो बनाना है और कुछ नहीं यहाँ पर। तो माइनस ए हो गया, ये बी ये सी ये ए ये माइनस बी ये सी, इन दोनों को सम करेंगे ज़ीरो, इन दोनों को सम करेंगे टू ए, इन दोनों का सम करेंगे ज़ीरो। ऐसा करने से बस ये हो गया कि हमारे पास यहाँ एक ज़ीरो आ गया, तो अब इसको कैलकुलेट करना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो फर्स्ट रो जो ये फर्स्ट कॉलम है इसके करस्पॉन्डिंग एक्सपेंड करेंगे हम तो कितना हो जाएगा माइनस ए, ये कैंसिल इधर हो गया ज़ीरो माइनस, इधर करा हमने टू बी सी, फिर प्लस अब यहाँ कैसे लेंगे माइनस, तो माइनस के ये गया कैंसिल, ये गया कैंसिल, इसका इसमें किया ज़ीरो माइनस, इसका इसमें कितना किया 2bc। ओके, तो अंदर मल्टीप्लाई करने माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2abc माइनस माइनस प्लस 2abc। ओके, और ये भी ध्यान रखें कि हमारे पास जो है एक बाहर abc ये भी चलता है पहले से। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारे पास abc। ओके, सो ये हो गया abc इंटू टू ए बी सी विच इज़ इक्वल टू टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ओके गाइज, सो इसका आंसर हो गया ए स्क्वायर, कितना डिटरमिनेंट की वैल्यू हो गई हमारे पास टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर द आंसर। सिंपल था, वैसे भी एक्सपेंड करेंगे अगर लेके थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा, उससे भी हो जाएगा, लेकिन हम अगर ऐसे करेंगे तो ये थोड़ा सा हमें और ईजी पड़ेगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फिर। ओके गाइस, ये टीजीटी का क्वेश्चन है, 19 में आया था कि ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स गिवन है
इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। जब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ये कह रहा है कि 3x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, इसमें हमारे पास x और y दोनों टर्म आ रहे हैं मैट्रिक्स के अंदर, तो 3x प्लस वाई की वैल्यू इनमें से क्या होगी। लेकिन कंडीशन ये दे रखी कि सिमेट्रिक है, ये हमारे हमें यहाँ पर की वर्ड है एक तरीके से, ये की वर्ड है हमारा सिमेट्रिक, तो हमें इस की वर्ड का ही ध्यान रखना है सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक कीवर्ड है। ठीक है, तो जब ये सिमेट्रिक है, चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। जब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो क्या होता है सिमेट्रिक की कंडीशन कि उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स के ही बराबर होता है। तो यहाँ से ये इम्प्लाइज होता है कि अगर इसका हम ट्रांसपोज करें या हम ऐसे लिख लें कि ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज, एक ही बात है, तो ऐसा करने से क्या हो गया, 1 3 प्लस x 2 1 माइनस x 2 y प्लस 1 2 5 माइनस y एंड 3 इक्वल टू 1 3 प्लस x 2 1 माइनस x 2 y प्लस 1 एंड 2 5 माइनस y एंड 3 दे आर इक्वल। सो ये इसके इक्वल और ये टर्म इसके इक्वल, जब ये इसके इक्वल होगा ये वाला टर्म, क्योंकि इसमें जो कंपोनेंट वाइज ये टर्म्स सब इक्वल हो जाएंगे, दो मैट्रिक्स इक्वल तब होते हैं जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये एलिमेंट इसके बराबर होगा, मतलब 3 प्लस x जो होगा वो 1 माइनस x के बराबर होगा। इसको इधर लाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 1 माइनस 3 मतलब -2, यहाँ से इम्प्लाई हो जाएगा x इक्वल टू -1। ओके, तो x की वैल्यू पर चल गई, अब हम y को कंपेयर कर लेंगे, तो x को कंपेयर करने का कोई फ़ायदा नहीं, अब इसको इस वाले टर्म को इस ये दोनों इक्वेट कर देंगे, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो नाउ क्या करते हैं हम, y प्लस 1 इक्वल टू 5 माइनस y विच इम्प्लाइज इसको उठा के इधर ले आएंगे, 2y इक्वल टू 4, सो ये कितना हो जाएगा भाई, y इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू आ गया 2 हमारे पास। ठीक है, इसलिए वैल्यू किसकी पूछी थी हमारे पास, 3x प्लस y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये क्या इम्प्लाइज करेगा, 3 इंटू x की वैल्यू पुट करें -1 प्लस y की वैल्यू पुट करें आप 2, तो ये कितना हो जाएगा भाई, -3 प्लस 2 इक्वल टू -1 -1 द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ओके गाइज, सो ये भी बड़ा एक इजी क्वेश्चन था, ठीक है, PGT में आया था 19 में। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन PGT KVS में आया था 18 में। इफ़ ABC आर द पॉजिटिव एंड अनइक्वल, ये तीनों ABC तीनों पॉजिटिव नंबर हैं और अनइक्वल भी हैं, देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू वॉट। सिंपल डिटर्मिनेंट एक आपको सॉल्व करना है, सो और डिटर्मिनेंट इसे सॉल्व कर लेते हैं हम, डेल्टा इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, ए को लेके चलेंगे तो कितना हो जाएगा, BC - A² ओके, फिर बी को लेके चलेंगे हम तो कितना हो जाएगा, B² - AC एंड फिर हम लेके चलते हैं सी को तो कितना हो जाएगा आपका, AB - C² ओके। इसे और हम सॉल्व करके लिखते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -K A³, ये हो जाएगा -K B³, ये हो जाएगा -K C³, ये हो जाएगा ABC, ये हो जाएगा -K ABC, ये हो जाएगा -K ABC, तो कितने हो जाएंगे भैया, ABC - ABC, चलो इसे लिख लेते हैं पहले, ABC - A³ - B³ प्लस ABC + ABC - C³ विच इज़ इक्वल टू कितना, 3 times ऑफ ABC - A³ - B³ - C³। अभी कह रहा है कि ABC जो है पॉजिटिव है और अनइक्वल है, जब ये पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली ये निगेटिव रहेगा, ये भी ऐसे रहेगा, ये भी ऐसे रहेगा, ये देखिए ये तीनों पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, तो ये टोटल क्वान्टिटी जो है यहाँ पर 3AB- एज इट इज ही रहेगी, तो ये टोटल कितनी हो जाएगी, ये 3 times ऑफ ABC है, ये A³ - B³ - C³ है, तो ओवरऑल जो है वो निगेटिव है। ठीक है, लेस देन ज़ीरो ही रहेगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, डिटर्मिनेंट जो है वो लेस देन ज़ीरो, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके चलिए तब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। ओके गाइज, देखिए ये 19 में PGT में आया था क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन AB इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ AB = BA, AB = -BA, AB = AB⁻², BA⁻² एंड नन ऑफ दीज। ओके, तो
इनमें से कौन सा ठीक होगा? चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें पता है ए एंड बी आर सिमेट्रिक। जब ए एंड बी आर सिमेट्रिक, जब ए सिमेट्रिक तो ए का ट्रांसपोज ए के ही बराबर होगा भाई। अगर बी सिमेट्रिक है तो बी का ट्रांसपोज जो है वो बी के ही बराबर होगा। ठीक है, तो हम ए बी के बारे में इन्होंने पूछा है, तो ए बी का ट्रांसपोज करते हैं। ए बी का ट्रांसपोज कितना हो जाएगा? ए बी के बराबर हो जाएगा, बिकॉज ए एंड बी आर सिमेट्रिक, तो ए बी का ट्रांसपोज जो है वो ए बी के बराबर ही होगा। और ये जो है ए बी का ट्रांसपोज, ये रिवर्सल लॉ से खुलता है। आपको पता होगा बी इनवर्स ए इनवर्स, बी बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए बी। यहाँ से बी ट्रांसपोज किसके बराबर है? बी ए बी के बराबर, और ए ट्रांसपोज ए के बराबर है, तो ए किसके बराबर हो गया? बी ए बराबर हो गया ए बी। ओके, तो ए बी बराबर बी ए, कौन सा ऑप्शन है भाई? ऑप्शन ए इज करेक्ट। अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल है, छोटा बहुत क्वेश्चन है 19 मैथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं अब हम। देखिए गाइस, एक और अच्छा क्वेश्चन है, ये भी 19 मैथ पीजीटी में। इफ़ क्यू इज़ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, एक एक वर्ड पर ध्यान देने की है ज़रूरत, क्योंकि की वर्ड्स हैं ये, नॉन सिंगुलर यहाँ पर की वर्ड्स हैं। एंड पी इज़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच डैट डिटर्मिनाट ऑफ क्यू इनवर्स पी स्क्वायर क्यू इक्वल टू 4, देन डिटर्मिनाट ऑफ पी इज इक्वल टू वॉट। चार ऑप्शन यहाँ पर गिवन है। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ 1 सेकेंड। तो हमें ये बात पता होनी चाहिए पहले तो, कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए डॉट बी, मतलब प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट जो है वो अलग अलग के बराबर होता है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ठीक है, सम में ऐसा नहीं होता है, मतलब सम करेंगे अगर एडिशन होगा तब ऐसा नहीं है, लेकिन अगर प्रोडक्ट है तो ये इसके बराबर होता है। ठीक है, एक बात तो हमें पता होनी चाहिए। दूसरी बात क्या है, यहाँ पर ये दे रखा है कि क्यू इज़ नॉन सिंगुलर। जब ये नॉन सिंगुलर है तो यहाँ से इम्प्लाइज हो रहा है कि क्यू इनवर्स एग्जिस्ट। ओके, नॉन सिंगुलर इसका मतलब क्यू इनवर्स एग्जिस्ट, इसलिए क्या हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू इनवर्स पी स्क्वायर क्यू इक्वल टू, बाय द डेफिनेशन डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू इनवर्स, डिटर्मिनेंट ऑफ पी स्क्वायर एंड डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू, हमने ब्रेक कर दिया इसे तीनों को अलग अलग। अच्छा, हमें ये भी पता है कि डिटर्मिनेंट का इनवर्स जो होता है, ठीक है, इनवर्स ए के इनवर्स का डिटर्मिनेंट जो होता है, तो इसे आप लिख सकते हैं वन अपॉन ए। डिटर्मिनेंट ऑफ वन अपॉन इनवर्स के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू, और ये डिटर्मिनेंट ऑफ पी स्क्वायर ही रहेगा, और ये भी हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू। होता कैंसिल आउट, सो ये कितना रहेगा हमारे पास, डिटर्मिनेंट ऑफ पी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास रहेगा सिर्फ डिटर्मिनेंट ऑफ पी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4। ये सब 4 के बराबर ही चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर इम्प्लाइज का साइन लगा दें तो यहाँ पर 4 लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, मतलब कि ये हमको मिल गया डिटरमिन, ऐसे लिख लें इसको, डिटरमिनेंट ऑफ पी स्क्वायर इक्वल टू 4। ओके, सो पी इक्वल टू, पी की वैल्यू पूछिए ना, डिटरमिनेंट ऑफ पी, पी इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, स्क्वायर को बाहर लगा सकते हैं, यहाँ पर स्क्वायर आ गया इक्वल टू 4, तो पी इक्वल टू आ जाएगा कितना, प्लस माइनस 2। ओके, प्लस माइनस 2 आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन है, 2, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, बस आपको एक दो प्रॉपर्टी से पता होनी चाहिए, और आप इसे जैसे अप्लाई करेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके, देखिए ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ये भी 19 में पूछा गया था पीजीटी में, केवीएस पीजीटी में ही, ये सिर्फ यूपी पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, सो ए इक्वल टू गिवन है, ए की पावर 3 पूछा है। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, कुछ लोग क्या करेंगे इसको, कि इसमें 3 पावर, मतलब इसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन इसका एक आसान तरीका ये है कि आप इसका कैले हैमिल्टन थ्योरम लिख लें, कैले हैमिल्टन इक्वेशन लिख लें, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख लें, उसको कैले हैमिल्टन थ्योरम सेटिस्फाई करेगी तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, लैम्डा स्क्वायर, इफ़ चलो ये लिख लो यहाँ पर, इफ़
लैम्डा इज आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स ए, देन द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर, बिकॉज 2x2 का मैट्रिक्स है तो क्वाड्रेटिक ही बनेगी, माइनस सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट मतलब ट्रेस ऑफ ए, यहाँ लिख लें माइनस ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस ऑफ ए ठीक है, इन टू ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू ज़ीरो। तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस, कितना ट्रेस होता है डायगोनल के एलिमेंट का सम, तो ये हो गया 2a प्लस डिटर्मिनेंट कितना है इसका 1 1 जा 1 मतलब 0, 1 माइनस 1 0 ओके। तो ये हो गया विच इज़ इक्वल टू 0। तो क्या आ गई भाई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई इसकी लैम्डा स्क्वायर माइनस 2a ओके विच इज़ इक्वल टू 0, ये आ गई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इसकी ओके। बाय कहने हैमिल्टन थ्योरम ये अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा यहाँ पर लैम्डा की जगह ए पुट कर दूंगा, ए स्क्वायर माइनस 2ai इक्वल टू 0, 0 मतलब 0 मैट्रिक्स ओके। सो ए स्क्वायर इक्वल टू हो गया 2 टाइम्स ऑफ i ओके, लेकिन हमारे साथ यहाँ पर ए की पावर 3 की वैल्यू पूछी थी ओके। तो ए की पावर 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर के बराबर हो जाएगा ठीक है, 2a स्क्वायर बराबर हो जाएगा और a की पावर 3 इक्वल टू 2a स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, क्या हो a स्क्वायर किसके बराबर है 2a के बराबर है ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा भाई a की पावर 3 इक्वल टू 4a, 4a कहाँ है यहाँ पर 4a, बी ऑप्शन इज करेक्ट ओके। तो सिंपल क्वेश्चन था ओके। चलिए अब हम नेक्स्ट की तरफ को मूव करते हैं। ये समझ पा रहे हैं ना बच्चे कि मैंने 2a कैसे लिख दिया यहाँ पर, ये यहाँ से लिखा है, अगर आप इसे कुछ नाम देना चाहें तो नाम दे लें इसको इक्वेशन 1 और यहाँ लिख दें बाई 1 ओके। तो ये आंसर आ गया कि पावर 3 इक्वल टू 4a। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को मूव करते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन, सब ईजी क्वेश्चन हैं। और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन ज़रूर बताएं अगर कोई भी डाउट है किसी को, या किसी और एग्ज़ाम के लिए आपको आपको वीडियो चाहिए मैथमेटिक्स से रिलेटेड, नेट जे आर एफ गेट आई टी जैम आई टी जेई एंड पी जी टी टी जी टी ऑल आर ऑल टाइप्स ऑफ वीडियो आर अवेलेबल इन माई यूट्यूब चैनल। सो प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक ओके। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ओके। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन राजस्थान पी जी टी में आया था 19 में। देखिए क्या है क्वेश्चन, इफ़ ऑल द एलिमेंट्स, सॉरी ये 19 में नहीं आया 16 में आया ओके। इफ़ ऑल द एलिमेंट ऑफ 3x3 मैट्रिक्स पी आर 1, देन पी स्क्वायर माइनस 3p इज इक्वल टू अ नल मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स ठीक है। क्या है क्या नहीं होगा पूछा, सभी एंट्रीज 1 कह रहा है ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं, तो ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स गिवन है ऐसा है जिसकी सभी एंट्रीज 1 है और 3x3 का मैट्रिक्स है ओके। ये हो गया हमारे पास, पूछा क्या है ए नहीं है, इसका नाम इन्होंने पी दिया है, चलिए पी इसका नाम रख लेते हैं हम ठीक है। पी मैट्रिक्स है, पी स्क्वायर माइनस 3p वैल्यू की पूछी है, तो कुछ नहीं भाई पी स्क्वायर फाइंड कर लो सिंपल। कितना हो जाएगा 1 1 1 1 1 1 1 1 1 का मल्टीप्लाई सेम से करेंगे तो 1 1 1 1 1 1 1 1 1 विच इज़ इक्वल टू, देखिए 1 का 1 से 1 1 का 1 से 1 1 का 1 से 1 तो 3, फिर इसमें भी 3 इसमें भी 3 इसी तरह सब 3 3 आएंगे यहाँ पर। ये आप इसको आप एज ए रिजल्ट भी याद रख सकते हैं ठीक है। अगर यहाँ पर पावर आप n कर रहे हैं ना और 1x1 का मैट्रिक्स है और उसकी n टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो सारी n उसकी ये आ जाएंगी। आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर सॉरी यहाँ की पावर से मतलब नहीं है, ऑर्डर से मतलब जितने ऑर्डर का मैट्रिक्स, अगर 3x3 का है तो 3 3 आ गए, n x n का होता तो n आ जाते हैं ठीक है। तो ये हमारे पास पी स्क्वायर आ गया है ओके। नाउ अब हमें क्या फाइंड करना है, पी स्क्वायर माइनस 3p इज इक्वल टू 3 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 माइनस 3 टाइम्स ऑफ पी करेंगे भाई, पी की वैल्यू कितनी है इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल 3 3 हो जाएगा 3 3 3 एंड 3 3 3 सो कितना आ गया जी 0 नल मैट्रिक्स
ज़ीरो मैट्रिक्स है ये, ज़ीरो नहीं है, कभी आप ज़ीरो समझें, ज़ीरो का मतलब ज़ीरो नहीं, नल मैट्रिक्स है, जो किसके बराबर होता है, ये होता है ज़ीरो 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 एंड ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, विच इज़ थ्री क्रॉस थ्री नल मैट्रिक्स। सो ऑप्शन ए इज़ ट्रू, नल मैट्रिक्स। ओके सो ईजी क्वेश्चन है, नेक्स्ट चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके गाइज देखिए, ए मैट्रिक्स गिवन है इक्वल टू 0 1 1 0, देन द मैट्रिक्स इज आइडमपोटेंट, निलपोटेंट, इन्वोल्यूटरी और सिंगुलर, इन चारों में से क्या ठीक होगा। आपको पता है कि आइडमपोटेंट मैट्रिक्स वो होता है जिसका स्क्वायर करने पे वो सेम वैसे का वैसे ही आ जाए, ठीक है। अ मैट्रिक्स इज सेट टू बी द आइडमपोटेंट मैट्रिक्स इफ ए स्क्वायर इक्वल टू ए। ओके अगर ए स्क्वायर करने पर यही आता तो उसे बोलते हैं हम ए स्क्वायर इक्वल टू ए, करने पर आता है तो आइडमपोटेंट बोलते हैं, और ए की पावर समथिंग करने पे ज़ीरो आता है तो निलपोटेंट बोलते हैं, एंड इन्वोल्यूटरी बोलते हैं अगर ए स्क्वायर करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, और सिंगुलर बोलते हैं अगर उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो आए, सॉरी इक्वल टू ज़ीरो आए, तो ये क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। चलिए अब हम इसे चेक करते हैं इनमें से कौन सा है। तो सबसे पहले ए स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं, भाई हम ए स्क्वायर फाइंड करेंगे 0 1 1 0 आ जाएगा, विच इज़ 0 1 1 0, मल्टीप्लाई किया हमने सिंपल और कुछ नहीं किया, तो ये कितना हो गया भाई, मल्टीप्लाई करने से 1 आ गया, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पे 1, विच इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने बताया, तब अगर ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी का आता है तो इसका मतलब ये है कि ए इक्वल टू ए इनवर्स के हैं, इसको बोलते हैं इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स, ठीक है। तो सी ऑप्शन इज़ करेक्ट, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स मतलब सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। ओके चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके देखिए ये एक और क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इन गिवन है, इफ़ दिस डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड एक्स लाइज बिटवीन -1 to 0 एंड वाई इज -1, एक्स लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन ज़ीरो, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1, एंड जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन 2, देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू वॉट। हमें इसके लिए थोड़ी सी रियल की नॉलेज होना ज़रूरी है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसे वर्क करता है। बेसिकली ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है, जो दोनों में जो लीस्ट वैल्यू होगी उसको ले लेगा, ठीक है ना, लीस्ट वैल्यू को लेगा जो उसके नज़दीक है। तो जैसे अगर हम ये बात करें -1 से और x जो है 0 के बीच में है, ठीक है, तो इसकी जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी वो -1 होगी, तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेगा वो किसे लेगा, -1 को, इन दोनों में से, ठीक है। इसी तरह से y की देखें, y जो है 0 1 के बीच में है तो y की जो ग्रेटेस्ट वैल्यू आएगी वो 0 आएगी, एंड अगर हम z की बात करें तो z की ग्रेटेस्ट वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से दोनों में से ये है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड ये है हमारे पास कितना